Hey guys, कैसे हो? Battle of the Heavens की पिछले एपिसोड में आपने देखा था सौवियन अपना कल्टीवेशन करने के बाद फिर वापस से इनर कोर्टयार्ड में आ गया था। यहाँ पे वो मिस्टर लिन से भी मिलता है, सूनर से भी मिलता है। यहाँ पे बातें हो भी रही थी तभी अचानक से सूनर सौवियन के पास भागते हुए आती है और फिर उसको सियाओ यू के बारे में बताती है जो कि उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से ढूंढ रही थी। सौवियन फिर तुरंत ही वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जाकर देखने पर वो देखता है वहाँ पर सौवियन का बड़ा भाई है। उसकी भाई हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो बेड से उठ तक नहीं पा रहा है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं मिस सुनर और सियावियू यहां पे बात कर रहे हैं। सौवियन अपने बड़े भाई सियाओ ली को रात भर हील किया है जिसके वजह से सौवियन रात भर नहीं सोया है। तभी दोस्तों ऊपर से कुछ आवाजें आने लगती है तो ये लोग सुनकर तुरंत ही ऊपर जाते हैं। वहां जाकर वो लोग देखते हैं सियाओ ली जो है वो सौवियन की इतनी ज्यादा मेहनत के बाद अब जाग गया है, उसको होश आ गया है। सियाओ अपने भाई को देखकर इमोशनल हो जाता है, कहता है सौवियन छोटे भाई तू यहाँ पे आ गए, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगा। सौवियन फिर उसको अच्छे से हेल्प करके बैठाता है और फिर पूछता है भाई आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो फिर सियाओली बताता है पहले के 2 महीने जब सियाओ फैमिली डेजर्ट आयरन मशीनरीज में माइग्रेट हो गई थी इन 2 महीनों में सब कुछ ठीक ही चल रहा था लेकिन यूनलैन क्लैन की तलाश उस की के लिए रुकी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने हमारे रीजन की तलाश करने के बाद फिर अपना तलाश का दायरा बढ़ाया जिसके बाद वो लोग हमारे नए ठिकाने डेजर्ट आयरन मशीनरी तक पहुंच गए। उस रात डेजर्ट आयरन मशीनरी में हम लोगों का सेलिब्रेशन का दिन था, सभी लोग खुशियां बना रहे थे, डांस कर रहे थे और दोस्तों सीन हम लोगों को वहीं पे ले जाती है। हम लोग देख सकते हैं सियाओ ली और पूरी सियाओ फैमिली वहाँ पे मजे कर रहे हैं। सियाओ ली वहाँ पे राइस जूस पी रहा है, कह रहा है जब तक आज हम लोग पी के टल्ली ना हो जाए तब तक आज हम लोग घर नहीं जाएंगे। पर तभी आसमान से एक चमकती हुई रोशनी बहुत ही तेजी से जमीन में गिरती है, इससे एक जोरदार धमाका होता है जिसके वजह से वहाँ पे डांस कर रहे हैं सियाओ फैमिली के लोग तितर बितर हो जाते हैं। अगले ही पल इन लोगों को समझ में आता है कि इन लोगों पर अटैक हो चुका है। थोड़ी ही देर में यूनलैन क्लैन के एसेसंस लोग हम लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर ताबड़तोड़ हमला होने लगता है। इस हमले में तुरंत ही यूनलैन क्लैन के एसेसंस हमारे फैमिली के नॉर्मल पर्संस को मार देते हैं। हम लोगों ने भी तुरंत उन पर काउंटर अटैक किया पर यहाँ उन असिस्टेंस की पावर बहुत ज्यादा थी, वो सब ट्रेंड असिस्टेंस थे। एल्डर ने हम लोगों को कमांड दिया कि कुछ लोग यहाँ से नॉर्मल सिटीजंस को बाहर निकाले और कुछ उन लोगों पर अटैक करे। एल्डर्स उन पर अटैक कर दिए थे पर हमारे ग्रैंड एल्डर को भी उन लोगों ने चुटकियों में मार दिया। हमारे ग्रैंड एल्डर की भी वहाँ पे एक दर्दनाक मौत हो गई। इस फाइट में मैं किसी तरह वहाँ से बच के निकला ताकि मैं तुम तक पहुँच सकूँ, तुम तक ये सारी बातें पहुँचा सकूँ। सौवियन अब ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से गुस्से से बौखला जाता है। वो कह रहा है यूनलैन क्लैन वो लोग ऐसे करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं, अब वो लोगों को जान से जाना होगा। यूनलैन क्लैन से वो ओल्ड थीप यूनसान हमारी फैमिली को मार देना चाहता है, इसका बस यही उपाय है कि हमें उन सभी लोगों को पूरी तरह से खत्म करना होगा। और फिर गुस्से में तुरंत ही सौवियन पूरे यूनलैन क्लैन गामा एम्पायर को खत्म करने के लिए जाने लगता है। मिस सुनर उसको पकड़ लेती है, रोकती है सौवियन तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर सौवियन कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं उस यूनलैन क्लैन के सभी लोगों को जलाकर खाक में बदल दूंगा। सौवियन जाने लगता है तो फिर उसका भाई रोकता है सौवियन रुक जाओ, यहाँ पे मैं इतनी दूर से अपनी जान को बचाकर तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया हूँ कि तुम ऐसे ही जाओ और अपनी जान को बेकार में बर्बाद कर दो। क्या तुम्हें लगता है तुम अभी यूं इंसान को सच में किल कर सकते हो। सौवियन उन लोगों ने जो भी किया है उनका बदला हमें लेना ही होगा, इसीलिए हम लोग और भी नुकसान नहीं झेल सकते हैं, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी ताकि हम लोग उन लोगों की ये दुस्साहस का उन लोगों को सबक सिखा सके। पर भाई अभी हम लोग यूनसान को किल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें अभी के लिए रुकना होगा। मिस सुनर भी सौवियन को समझाती है सौवियन अभी हड़बड़ी मत करो, पूरी सियाओ फैमिली अभी बहुत ही बुरी मुसीबत को झेल रही है, तुम ही अभी तक इससे अछूते हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर सियाओ फैमिली का क्या होगा, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अंकल सियाओ ने तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। और सियाओ ली भी कहने लगता है भाई यहाँ पे जो भी उस रात को हुआ वो सब बिल्कुल ही बहुत ज्यादा फिशी था, मुझे लगता है जो लोग हम लोगों पर अटैक किए वो लोग यूनलैन क्लैन से नहीं थे। जब हम लोग सभी लोगों को वहाँ से बचा के निकाल रहे थे हमने वहाँ पे देखा था उन लोगों को एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा आदमी लीड कर रहा था, वो एक काला छाया था जिसकी फेस हमें नहीं दिखाई दे रही थी, उसके हाथों में लंबे ब्लैक चेन्स थे जिससे कि वो बहुत ही आसानी से लोगों को मार दे रहा था। जब भी उसकी चेन चलती थी लोगों की मौत होती थी, अंधेरे सारे
भय से भरा उनका शरीर हम लोगों की मौत बनकर आया हुआ था। और जिस तरह से वो लोग हम सभी लोगों को मार रहे थे, उन लोगों को ऐसा देखकर लग रहा था जैसे वो लोग सिर्फ मारने के लिए बने हुए हैं। पर यही नहीं, उन लोगों के इस मौत के तांडव के बाद ये भी लग रहा था कि उन लोगों को किसी की तलाश थी, वो लोग किसी को ढूंढ भी रहे थे। अब सावियन जब ये सुनता है उसको बातें याद आने लगती है। सावियन ने इन लोगों को देखा हुआ है, ब्लैक शैडोज, ब्लैक चेन। सावियन कह रहा है आखिर वो लोग सियाओ फैमिली को क्यों टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों का सियाओ फैमिली से कोई भी मतलब नहीं है। फिर सियावली बताता है हमें नहीं पता कि वो लोग क्या ढूंढ रहे थे, पर जब उसने ग्रैंड एल्डर को मारा तब ग्रैंड एल्डर अपने आखिरी समय में हम सभी भाइयों को बुलाए थे और फिर हमसे कहा था कि हम लोग ये बात तुम तक जरूर पहुँचाए। सावियन तुम्हें उस जेड को सुरक्षित रखना है, तुम्हें कोई भी हालत में जेड को आउटसाइडर के हाथों में नहीं पड़ने देना है। हमें नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहे हैं, पर उन्होंने हमें तुम तक ये मैसेज पहुंचाने को कहा था। अब सावियन समझ जाता है ये लोग उस डैश किंग के जेड के पीछे ही पड़े हुए हैं। सावियन फिर पूछता है क्या हमारी सियाओ फैमिली खत्म हो गई है, हमारे बाकी की फैमिली कहाँ पे है, क्या वो लोग अभी सुरक्षित है? तो फिर सियावली बताता है सुरक्षित नहीं है, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हम लोगों को सभी तरफ से चेज किया जा रहा है। ब्रदर ने मुझको अपनी जान को दांव में लगाकर वहाँ से भागने को दिया, वो डार्क शैडो बिग ब्रदर को भी मारने ही वाला था, तभी वहाँ पे हाई लाव आ गया था। हाई लाव ने वहाँ पे हम लोगों की मदद करी जिसकी वजह से वो शैडो मास्टर्स वहाँ से फिर रिट्रीट कर लिए, जिसके बाद हम लोग बिग ब्रदर के साथ पूरी सियाओ फैमिली के मेंबर को मित्रे फैमिली के सीक्रेट शेल्टर में ले गए। अभी वो लोग वहाँ पे सुरक्षित है, पर हम लोग ज्यादा दिन तक उन लोगों से बच के नहीं रह सकते हैं। यून लैन क्लैन अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है जिसकी वजह से सियाओ फैमिली की एग्जिस्टेंस खतरे में आ गई है। यहाँ पे सियाओ यू इन सभी बातों को सुनकर रो रही है। सावियन कहता है हाईलाओ ने जो इस मुसीबत की घड़ी में सियाओ क्लैन की मदद करी है ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है और हम लोग उनकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलेंगे। पर सियावली कहता है इस हमले की वजह से पूरा डेजर्ट मशीनरी पूरी तरह से खत्म हो गया है, अभी सियाओ फैमिली भी पूरी तरह से इंजर्ड हो गई है, हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, इतने ज्यादा कमजोर हो गए हैं कि हम लोग सिर्फ अब जिंदा बचे हुए हैं। सावियन कहता है हम लोग इसका बदला जरूर लेंगे, हम लोग यून लैन क्लैन पर हमला करेंगे और उन लोगों ने हम लोगों पर जो भी किया है उन सभी का सूद समेत हिसाब चुकाएंगे। और दोस्तों बस इसी के साथ यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो का लाइक एम है 4000 लाइक्स, सो आई होप आप इसको जल्दी से पूरा कर देंगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।